हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल ट्रैकर पर। दोस्तों, अगर आप 2.5 महीने का सुरक्षित लेकिन बोरिंग समय व्यतीत करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उचित समय पर ही यात्रा कीजिए। लेकिन तब तक मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी को नोट कर लीजिए और उचित समय आने पर ही ट्रेवल कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सुंदर और भव्य जगह के बारे में, जिसको हम हरिका द्वार कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के बारे में। यदि आप भविष्य में हरिद्वार दर्शन का प्लान बनाना चाहते हैं तो हरिद्वार में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ आप वहाँ पर कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हरिद्वार के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हरिद्वार को हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। दरअसल हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग। अब हरि का द्वार है तो शहर का धार्मिक महत्व होना स्वाभाविक है। इसी वजह से अपने धार्मिक महत्व के कारण ही हरिद्वार अत्यधिक लोकप्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी जटाएं खोलकर गंगा नदी को मुक्त किया था। हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। इससे पहले गंगा गोमुख से बहने के बाद हरिद्वार तक लगभग 250 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। हरिद्वार भारत के पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने व डुबकी लगाने तथा पूजा करने और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। माना जाता है कि उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के साथ ही हरिद्वार भी उन 4 स्थलों में से एक है जहां आकाशीय पक्षी गरुड़ के घड़े से अमृत की बूंदें छलकी थीं। इसी कारण हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सावन महीना भगवान शिव और शिव भक्त कांवड़ियों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन महीने में हरिद्वार लाखों कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से पूर्ण रूप से भरा होता है। श्रावण के महीने यानी जून और जुलाई में यहाँ लाखों शिवभक्त कांवड़ियों का तांता लगा होता है। तो आइए जानते हैं हरिद्वार में घूमने और देखने की मुख्य जगह कौन कौन सी हैं और उनके बारे में क्या खास है। नंबर 1, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार के 5 मुख्य पवित्र स्थलों में से एक है। गंगा से सटे इस सबसे पवित्र घाट के नाम में ही इसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है भगवान के चरण। लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा में डुबकी लगाने और स्नान करने आते हैं। यहाँ की शांति और जल की निर्मलता देखकर आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे और गंगा में डुबकी लगाते ही ताजगी से पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर शाम को होने वाली माँ गंगा की आरती के दर्शन करने से मन को बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद हिंदुओं का शुभ मेला कुंभ मेला इस स्थान पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला व अर्धकुंभ मेले के समय इस घाट की रौनक देखने लायक होती है। इस घाट पर स्थित 2 प्रसिद्ध मंदिर गंगा मंदिर और हरिचरण मंदिर आकर्षण का केंद्र हैं। नंबर 2, मनसा देवी मंदिर। शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत के ऊपर स्थित मनसा देवी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के मुख्य बाजार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनसा देवी मंदिर में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए एक पवित्र धागे को पवित्र पेड़ से बांधते हैं।
एक बार जब इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ आकर भक्तों को पवित्र धागे को खोलना भी पड़ता है। चूंकि मनसा देवी का मंदिर पहाड़ पर स्थित है, इसलिए निचले स्टेशन से केबल कार या रोपवे द्वारा मंदिर तक पहुंचा जाता है, जिसे आम भाषा में उड़न खटोला भी कहते हैं। नंबर 3, चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य। धार्मिक मंदिरों से दूर प्रकृति की सैर कराता चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य देखने की एक अच्छी जगह है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य में कई प्रकार के जानवर जैसे हाथी, बाघ, भालू, छोटी बिल्लियाँ और अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी के साथ ही वन्यजीव सफारी भी उपलब्ध है। नंबर 4, पिकनिक स्पॉट क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क। क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क को हरिद्वार का बेस्ट एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। गंगा की पवित्र भूमि में 18 एकड़ भूमि पर फैले क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क में एडवेंचर वाटर राइड कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य स्पॉट्स और एक्टिविटी के अलावा यहाँ फेमस 5D वाटर पार्क भी उपलब्ध है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए कई स्पॉट्स और गतिविधियाँ आपको मिल जाएंगी और फैमिली के साथ यहाँ अच्छा समय बिताया जा सकता है। नंबर 5, सप्तऋषि आश्रम। हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह सप्तऋषि आश्रम। यह हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहां 7 महान ऋषि ध्यान करते थे, उसी जगह पर यह आश्रम स्थित है। पौराणिक कथा है कि गंगा मैया ने 7 ऋषियों को पूजा करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपने आप को 7 धाराओं में विभाजित कर लिया था। इस आश्रम परिसर में कई मंदिर बने हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार दर्शन का यह स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 6, चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर दुर्गा माता के रूप चंडी का है। नवरात्र व कुंभ के समय में यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता है। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है जो हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ गाड़ी, टैक्सी या रोपवे के द्वारा जाया जा सकता है। नंबर 7, पतंजलि योग पीठ। पतंजलि योग पीठ दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर कनखल में स्थित है। यह योग पीठ दुनिया में सबसे बड़ा योग आश्रम है। हरिद्वार आने के बाद पतंजलि योग पीठ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सेहत और योग से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 8, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग हरिहर आश्रम हरिद्वार में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इस पूरे मंदिर को भगवान शिव के शिवलिंग से सजाया गया है और इसे पारदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ जमा होती है। तो अब जानते हैं हरिद्वार कैसे पहुँचे। तीर्थ स्थल व पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। आप हवाई जहाज, बस, ट्रेन या अपने खुद की पर्सनल कार के जरिए हरिद्वार पहुँच सकते हैं। हरिद्वार का निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांड एयरपोर्ट है जो देहरादून में स्थित है। यह एयरपोर्ट हरिद्वार से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा हरिद्वार पहुँचा जा सकता है। बस से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की बसों द्वारा सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों से राज्य परिवहन की बसें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से हरिद्वार लगभग 222 किलोमीटर दूर है और कुल 5 से 6 घंटे की बस की यात्रा पूरी करने के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रेन द्वारा भारत के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़े हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है। यहाँ देश के विभिन्न प्रदेशों से ट्रेन द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है।
अब बात करते हैं हरिद्वार में कहाँ ठहरें। दोस्तों, हरिद्वार में ठहरने के लिए वैसे तो आप होटल्स में ठहर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा धार्मिक नगर होने के कारण यहाँ महंगी और बेहतर सुविधाओं वाली धर्मशालाओं के भी कई विकल्प हैं। यहाँ पर आपको धर्मशाला बहुत अधिक देखने को मिल जाएंगी। बजट वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला में ठहरना सबसे सस्ता तरीका है। यहाँ एक रात का किराया 500 रुपये से भी कम में शुरू हो जाता है। आप चाहे तो इन धर्मशालाओं में ठहर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।